नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने नवरात्रि का स्पेशल मखाने की खीर की रेसिपी लाई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी दिया है, देसी घी ले लीजिए। व्रत में घी ज़्यादा खाते हैं तो डालकर इसको हमें गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी घर में अवेलेबल हो। ड्राई फ्रूट्स लेकर इसको अच्छे से भून लेते हैं हम कुछ सेकंड के लिए। बस इसका कच्चापन जाना देना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मखाने की खीर में। तो इसको भून कर हम निकाल लेते हैं पहले। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं निकाल ले रही हूँ। और जो बचे हुए घी में ही मैं मखाने को फ्राई करूंगी। तो जितना एक थोड़ा सा मखाना बचा हुआ है, घी बचा है, उसे में हम फ्राई कर ले रहे हैं अपना मखाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप मखाना। तो मखाने को लेकर अच्छे से हमें रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज होने तक या क्रिस्पी होने तक। इसे लगभग 1 से 2 सेकंड लगता है, मीडियम फ्लेम पे इसको आप रोस्ट कर लीजिए। इसका कलर चेंज होने तक इसे हमें रोस्ट करना है। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करूंगी। तो चलिए देखते हैं इसे मैं किस चीज में ग्राइंड करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। अगर आप फुल क्रीम मिल्क नहीं यूज कर रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आधा इस 1 लीटर कर लीजिए दूध इसको, क्योंकि इसको गाढ़ा करना होता है हमें खीर के लिए। तो इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपने मखाने को ग्राइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिक्सर में नहीं, एक ग्राइंडर है इसमें मैं क्रश करूँगी, क्रशर है इसमें, हाथ से मैं इसको क्रश करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा दरदरा मार कुटकर तैयार हो जाता है। तो इसको मैं कुटकर तैयार कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारा मखाने का पाउडर है, क्रश पाउडर बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छे से क्रश हो जाता है इसमें। तो चलिए अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे दूध में भी उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे अपने क्रश किए हुए मखाने। तो दूध को आप इतना बॉईल करना जब तक दूध हमारा आधा ना हो जाए जल जल कर। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डालकर हमें कुछ सेकेंड के लिए पकाना है। तो जब ये चीनी मिक्स हो जाएगी तभी हम इसमें मखाना डालेंगे। तो इसको हम कुछ समय के लिए पका देते हैं। हमारा चीनी अच्छे से घुल चुका था, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाई। अब इसमें हम डाल देते हैं मखाने। मखाने को डालने के बाद इसको अच्छे से कंटिन्यूसली चलाना है। और यहाँ पे मैंने लिया है छोटी सी हरी इलायची और उसको क्रश करके दे दिया था। और जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसको भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर भी मैंने डाल दिया है, 5 से 6 इलायची को मैंने मोटर में कूट लिया था। आप चाहे तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कूट कर अच्छे से हमें कुछ समय के लिए पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, तो आप इसे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। जैसे जैसे ये पकने जाती है वैसे वैसे ये थिक होने जाती है। तो यहाँ पे देखिए थिकने ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगी। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ कटोरे में। तो हमारे मखाने की खीर बनकर तैयार है। इसे आप नवरात्रि व्रत में खाइए आप, और माता जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।